नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ त्रिभुज जो काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट हम लोग चालू किए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो जीके टेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में आज हम लोग टाइप 7 की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टाइप 7 की बात करेंगे, जिसमें आपको एक ये रेक्टेंगल की तरह दिखेगा और इसमें से आपको डायगोनल दिया रहेगा और उसमें हम लोगों को ये काउंट करना होगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। जैसा कि अगर इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें एक और दो दो इसमें त्रिभुज दिख रहे हैं, उसके अलावा आपको त्रिभुज नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर इसमें तो बात करें तो 1 2 3 4 त्रिभुज तो ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद एक त्रिभुज ये दोनों मिलकर बनाएंगे और एक त्रिभुज ये, तो 4 2 6 त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज ऐसे मिलकर बनेगा और एक ऐसे, तो 6 2 8 त्रिभुज हो गए। तो इसमें 8 हो गए, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें भी ऐसे ही बनेंगे। तो चलिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम लोग इसकी एक ट्रिक बनाते हैं। अगर आपको ध्यान रखिएगा, इसमें अगर दो इसमें एक डायगोनल है, यानी कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन अगर मोर देन 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, डायगोनल से मोर देन 4 पार्ट, 4 या 4 ग्रेटर देन 4 होते हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने पार्ट रहेंगे नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 पार्ट है, नंबरिंग कर लेते हैं और नंबरिंग करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 8। यहाँ पे हम लोग सिंपल सी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ नहीं करना है, जितनी नंबरिंग हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल था, आपको इससे भी कहीं ज़्यादा, जैसे अगर एक क्वेश्चन इसको लिया जाए, अगर ये क्वेश्चन लिया जाए, ऐसे फिगर दे दिया जाए और बोले कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये कितने ट्रायंगल हैं, आप कैलकुलेट कीजिए। अगर हम एक एक ट्रायंगल कैलकुलेट कर दें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा नंबरिंग कर लेंगे। इसमें जितने भी त्रिभुज इंडिविजुअल आपको मिल रहे हैं उसमें से आप नंबरिंग कर लीजिए। और जितने लास्ट काउंट जितनी मैक्सिमम रहे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। जितना हमारा आंसर आएगा यही इतने त्रिभुज हमारे होंगे। तो ये टाइप नंबर 7 था। टाइप नंबर 7 बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इस यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 या ग्रेटर देन 4 होगा तभी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इसको काउंट करके बताएंगे। तो चलिए अगले टाइप 8 में पढ़ते हैं कि टाइप 8 में क्या प्रॉब्लम आती है या कैसे फिगर दी जाती है। टाइप 7 का ही एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी टाइप 7 में क्या किया कि एक रेक्टेंगल लिया, उसमें डायगोनल से जितने भी त्रिभुज बन रहे थे उसको कैलकुलेट किया। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको 2 रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, ठीक है। ये टाइप 7 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से मिला के 2 आपको रेक्टेंगल मिला के उसमें काउंट करने को बोल दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो हम लोग करते हैं वही होगा, जैसे इसमें 1 2 3 4 4 × 2 ये होगा, और जितने रेक्टेंगल है × 2 कर दो वो, ठीक है, तो ये कितना हो गया 16। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी इसमें इन दोनों को मिलाकर 1 2 त्रिभुज और बनेंगे, एक ये वाले, ठीक है, और एक ये वाले। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से 2 और ऐड कर देने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अब ये टाइप 7 को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, ठीक है, एक ये क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को मालूम है 8 क्या कहते हैं ट्रायंगल होते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर इसी में ऐसे पूछ लिया जाए कुछ ऐसे, तो आपको यहाँ पे इसको भूल जाएगा, तो ये कितना होगा, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है टाइप 7 का क्वेश्चन है। तो आपको दोनों को ऐड कर देना है, 1 + 2 + ये 4 × 2 कितना हुआ, ये 3 + 8 11 आंसर। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें कोई एक ऐसा त्रिभुज नहीं है कि इसमें त्रिभुज फॉर्म हो या इसकी हेल्प से त्रिभुज फॉर्म हो, तो इसलिए हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ अलग बनेगा। हाँ, हालांकि अगर इसमें एक ऐसे कर दिया जाता तो एक त्रिभुज ये बनता,
और एक त्रिभुज ये बनता। तो आप लोगों को बेसिकली ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग त्रिभुज काउंट करते हैं, ट्रायंगल काउंट करते हैं, तो उसमें से ये चीज ध्यान रखना है कि जो दो इसमें डायग्राम मिलके बना रहे हैं, तो क्या उनसे तो कोई फिगर नहीं फॉर्म हो रहा है या कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और टाइप रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइप रेट थोड़ा इससे हटके है तो टाइप रेट के बारे में बात करेंगे, और टाइप सेवन में लगभग इतनी ही चीजें आती हैं और इतनी ही हेल्पफुल रहेंगी। तो टाइप एट के बारे में बात करते हैं। टाइप एट सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको इसमें कुछ अलग तरीके से जो इमेज दिखाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो बचे हुए वो इमेज हैं, या फिर जो साथ में फॉर्म होकर इमेज आते हैं, ये जो एनोनोमियस या मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं इसके रिलेटेड वो टाइप एट में आते हैं। तो हम लोग ध्यान से अगर देखें तो इस क्वेश्चन में आपको एक ये टाइप वन दिख रहा है, ठीक है, ये भी टाइप वन का क्वेश्चन है, ये भी टाइप वन का और ये भी टाइप वन का, और ये वाला जो है ये टाइप सेवन का जो अभी हम लोग फिलहाल में पढ़े हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से अगर देखें तो ये टाइप वन और टाइप सेवन का मिक्स क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी अंदर पहले नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है, फोर, क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इससे इससे और इससे ये चारों से मिलके कोई एक नया त्रिभुज या इसमें कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से जो नंबरिंग किए हैं उसको टाइप सेवन को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व किए, प्लस अगर इसमें देखो तो बराबर सब डिवाइड है, ठीक है, वन टू वन टू वन टू वन टू, तो इसमें कुछ नहीं करना है, फोर है तो आप फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो इसका फॉर्मूला होता है कितना होता है, टू इंटू थ्री बाई टू इसका फॉर्मूला होता है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चार दो आठ प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 12, तो ये इसका 20 आंसर हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितना हुआ, 20 फॉर्म हुआ। अब इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह का फिगर दिखे, यानी कि आपको ट्रायंगल में मिड में परपेंडिकुलर हर एक साइड पर पड़ता हुआ दिखाई दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आंख मूंद के 16 में आंसर इसको बता देना, क्योंकि ये फिक्स इसमें फिक्स होता है, आपको ट्रायंगल 16 से ज्यादा न कम इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा मिड में एक दूसरे को ये कट करते हो और प्लस ये परपेंडिकुलर हो, एक अपने सामने वाली जो साइड होती है उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब जाके ये इसमें जो होगा इस त्रिभुज में आपको 16 त्रिभुज मिलेंगे, आप चाहे तो काउंट करके देख सकते हैं। तो ये टाइप एट का मिसलेनियस क्वेश्चन थे, अभी और हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि इसमें काउंट करना है कितने फिगर है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए ए 30, बी 40, सी 44, डी नन ऑफ, ठीक है, इसमें ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है और ऐसे ऑप्शन दिया जाता है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को देख लेते हैं। तो आपको ये पता है कि ये जो फिगर दिख रहे हैं ये टाइप सेवन के क्वेश्चन है, और ये जो फिगर दिख रहा है ये टाइप फर्स्ट का है, कुछ नहीं करना, अलग अलग कैलकुलेट करना है ये ध्यान रखिएगा, और जो मैंने बारीकियां बताई हैं उस चीज को ध्यान देखिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग कर लीजिए आप, ठीक है, नंबरिंग करने के बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए 4 × 2, इसमें 8 ट्रायंगल होंगे, ये तो आपको पता है 8 ट्रायंगल होंगे, अब 8 ट्रायंगल इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, यानी चार तरीके से ये फॉर्म है, तो इंटू फोर कर दिए हम लोग, ठीक, अभी हमारे पूरे ट्रायंगल इसमें कैलकुलेट हो गए। आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों से मिलकर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं, इन दोनों से मिलकर अगर देखेंगे तो 1 और 2 ये फॉर्म हो रहे हैं, 2 ऐड कर दिए, फिर इन दोनों से मिलकर देख रहे हैं तो फिर 2 होंगे, 2 ऐड कर दीजिए, फिर इन दोनों से मिलकर बन रहे होंगे उसको भी ऐड कर लेंगे, 2 ऐड कर लिए, तो ये जब सारे ऐड करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा, ये कुछ इस तरीके से रहेगा 8 × 4 + 6, ठीक, ये पूरे का है, ठीक है, अब यहाँ ऊपर नीचे भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसका 1 इसका 2, ये टाइप 1 का है क्वेश्चन तो इसलिए ये सिंपल होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे भी नीचे भी है प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 32 + 6 और ये +6, अगर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 44, तो हमारा आंसर कितना हो गया, सी,
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल से जितने भी हम लोग टाइप पढ़े हैं उस टाइप को कैलकुलेट करना है। आपको ये देखना कि वो फिगर कहाँ कहाँ बन रहे हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाते हैं जिसमें कुछ हिडन क्या कहते हैं त्रिभुज होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा कि उनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगला क्वेश्चन, अगर अगला फिगर वन की बात करें, अगर इसमें आप देख पा रहे होंगे तो आपको इसमें टाइप सेवन और टाइप फर्स्ट का वो दिख रहा हो, तो इसमें टाइप वन और टाइप सेवन का जो क्वेश्चन है, तो आप अगर देखेंगे टाइप सेवन अलग है और टाइप वन अलग है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा इससे और इससे मिलता हुआ फिगर यहाँ पे आपको एक ये एक ट्रायंगल मिलके बन रहा होगा और एक ये पूरा मिलके बन रहा होगा, और यही यही सेम चीज एक यहाँ मिलके बन रहा है और एक यहाँ, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना होगा। आई होप आप लोगों को पूरे टाइप जितने भी इसके हैं समझ में आ गए होंगे। एक एक एग्जांपल और मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइप इसमें दिख जाएगा और वो टाइप आपको खोज के बताना है और इसमें कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी काउंट ऑफ फिगर में ट्रायंगल कैलकुलेट किए जाते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से इसमें शुरू करेंगे वर्ग या फिर आयत यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर से शुरू करेंगे अगला टॉपिक हमारा। ट्रायंगल से जितने भी क्वेश्चन मोस्टली जो वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लगभग हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो अगर आपने अभी तक जीके डेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट करके फीडबैक हम लोगों को जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।